सिक्स एंड सेवन्थ में हम सेंटेंस देख रहे थे, वाक्य वाक्य किस किस तरह से होते हैं। हमने असर्टिव देखा, फिर इंट्रोगेटिव भी देखा, दो तरह के वाक्य हमने देख लिए। आज देखते हैं इम्पेरेटिव वाक्य। कौन सा वाक्य है इम्पेरेटिव सेंटेंस? कौन सा सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस? इस प्रकार के वाक्य में किसी आदेश, प्रार्थना आदेश है, प्रार्थना है, उपदेश है, आज्ञा है, उपदेश है, आदि व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या ध्यान रखना है? इस प्रकार के वाक्य में आदेश है, प्रार्थना है, आज्ञा है, उपदेश है, ये व्यक्त किया जाता है। और आपको इसकी पहचान करनी हो तो ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू, प्लीज, काइंडली से प्रारंभ होते हैं। पहचान बता रहा हूँ कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डू से शुरू होते हैं, प्लीज से शुरू होते हैं, काइंडली से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, आदेश, इस तरह के वाक्य होते हैं। अब कैसे होते हैं वाक्य ये देखना चाहो, जैसे ओपन द गेट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। ओपन द गेट ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ये सब्जेक्ट से शुरू नहीं हो रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। जैसे डू योर वर्क, अपना काम करो, ये डू यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएगा। प्लीज हेल्प मी, प्लीज से शुरू हुआ है और ये जो शुरू हो रहा है वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। तो ऐसे वाक्य कैसे वाक्य कहलाएंगे? ऐसे वाक्य इम्पेरेटिव वाक्य कहलाएंगे। और मैंने पहचान बता दी आपको, प्लीज आए, काइंडली आए, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, डू से शुरू हो, ऐसे वाक्य कैसे वाक्य कहलाएंगे? इम्पेरेटिव वाक्य कहलाएंगे। जैसे गेट आउट, चले जाओ यहाँ से, इम्पेरेटिव वाक्य में आएगा। कैसे वाक्य में आएगा? इम्पेरेटिव वाक्य में आएगा। स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन करो, ये वर्ब है, स्विच ऑन करना। तो इस प्रकार के वाक्य जो है ना, वो सारे वाक्य क्या कहलाएंगे? इम्पेरेटिव। क्योंकि असर्टिव और इम्पेरेटिव में अंतर यही है कि वो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं असर्टिव वाक्य और फुल स्टॉप पर ख़त्म होते हैं। ये वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं, फुल स्टॉप पर ख़त्म होते हैं। आपको वर्ब को पहचानना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, ये शट जो है ना, बंद करना, ये क्या है? वर्ब है। तो इस प्रकार के वाक्य क्या कहलाएंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको असर्टिव बताया। असर्टिव वाक्य दो तरह के होते हैं, एक एफ्रीमेटिव और एक नेगेटिव। उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव को पढ़ा,
इंट्रोगेटिव वाक्य तो बहुत ज़्यादा सरल है क्योंकि उसमें पर्सन वाचक चिन्ह आता है, चाहे हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यू एच वर्ड से हो। तीन नंबर पर हमने इंपेरेटिव सेंटेंस के देखा, जो आदेश, प्रार्थना, आज्ञा, उपदेश आदि के वाक्य होते हैं। उनकी पहचान कैसे करनी है, मैंने आपको बता दी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, प्लीज से, डू से, काइंडली से, इनसे शुरू हो, वो वाक्य कैसे वाक्य कहलाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे।